सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट, तो जैसा आपको पता था यार, प्लेसमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये आपको पता था कि यार अभी 2023 में ही जस्ट रिसेशन बहुत बड़ा हुआ है और इसकी वजह से यार बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए हैं। तो मेरे को लगा कि यार इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए, जिसने रिसेंटली अभी जॉब ली और वो भी MCA बैकग्राउंड का, और जिसने स्ट्रगल की हो कोडिंग में। तर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपको पता लगेगा कि आप डायरेक्टली इस रिसेशन के टाइम पे किस तरीके से अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। तो यार ज्यादा देर ना करते हुए, टुडे वी हैव मोहित विद अस एंड ही इज फ्रॉम VIT MCA। तो मोहित, थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका कोडिंग बैकग्राउंड क्या था एंड विच कंपनी यू आर करंटली प्लेस्ड। ओके, सो हाय एवरीवन, हाय वासु, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने 12th क्लास में मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं था, एंड उसके बाद में मैंने 12th के बाद में BCA को मैंने ऑप्ट किया था। एंड देन उसके बाद में BCA ख़त्म हुआ, देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि मेरे को MCA भी कर लेना चाहिए। मेरा पहले प्लान यही था कि BCA के बाद में मैं जॉब को प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन बाद में मुझे रियलिटी चेक मिला एंड देन उसके बाद मैंने MCA का डिसाइड किया था। एंड देन MCA करने के बाद अभी मैं करेंटली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ हेल्थएज कंपनी में, जो बेसिकली इसका लोकेशन हैदराबाद में है। सो मेरा BCA जो था वो मैंने बैंगलोर के कृपानिधि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना BCA किया था। एंड देन उसके बाद में मेरा MCA जो मैंने किया है वो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर कैंपस से किया था। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि आपने VIT ही क्यों चूज किया? मतलब लोग कोशिश करते कि उन्हें NIT मिलेगी, अच्छी से अच्छे पैकेज मिले, तो आपका मेन टारगेट VIT ही था? नहीं, एज सच मेरा कोई प्लान तो नहीं था वैसे कि मतलब मैं सिर्फ VIT में ही जाऊँ या ऐसा कुछ, या NIT पकड़ूँ। मेरा जनरल प्लान यही था कि BCA के बाद में मेरे को कुछ भी ऐसा चाहिए था जहाँ पे ना ऐसा कॉलेज जहाँ पे बस कंपनीज आती हों, मतलब जहाँ पे मेरे को ना प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो मतलब उस टाइम पे मेरा प्लान था। एंड देन मैंने अपने BCA के टाइम पर प्रोफेसर से, तो उनसे बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि NIMCET एक एग्ज़ाम होता है। एंड देन उस टाइम मेरे को, मैं अराउंड में मतलब मैं सेकेंड ईयर में था उस टाइम BCA के, तो मेरे को तब पता चला था कि ऐसा भी कुछ एग्ज़ाम होता है MCA एंट्रेंस के लिए। एंड देन मैंने इवेंचुअली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। एंड ऑल ऑफ अ सडन मतलब ये हुआ कि कोविड का सिचुएशन जब ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे, तो एक तो NIMCET का मैं प्रिपेयर कर ही रहा था। एंड लास्ट 3 मंथ्स के आसपास में कुछ मेरे को पता चला कि VIT भी एक अच्छा कॉलेज है, आपके ही पॉडकास्ट के थ्रू पता चला था मेरे को। एंड देन उसके बाद मैंने VIT को भी कंसिडर किया था। एंड देन उसके बाद में मैंने फॉर्म भरा था उसका, एंड उसमें देन मेरा ऑल इंडिया रैंक 72 आया था। तो मैंने सोचा कि मतलब ना वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि अगेन कंपनीज आ रही है वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि ठीक है VIT को ही मतलब प्रेफरेंस देते हैं। एंड देन मैंने वहाँ पे सीट बुक करा था अपना। ओके, तो जैसा कि यार सबको लगता है कि BCA के बाद प्लेसमेंट्स नहीं लगती, तो आपका तो Tier 3 कॉलेज मुझे लग रहा है, तो उसके बाद क्या आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिली थी, और अगर मिली थी तो कितने तक की प्लेसमेंट लग रही थी आफ्टर BCA रियलिटी? जी, तो BCA के बाद में मेरा ऐसा सीन था कि हमारे मतलब कॉलेज में वैसे प्लेसमेंट्स का तो हाँ Tier 3 कॉलेज में आप बोल सकते हो कि इतना कंपनीज वैसे भी विजिट नहीं करता है। एंड सिंस मतलब BCA बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली मतलब अपॉर्चुनिटीज वैसे ही कम हो जाती है, जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो उस टाइम पे ये था कि जैसा कि आपको पता होगा TCS, विप्रो, ये सब ऑफ कैंपस हायरिंग जो करते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, तो उसी में ही मतलब हमारे कॉलेज को भी मतलब आया था उनके तरफ से इन्विटेशन। एंड देन हमारे कॉलेज प्लेसमेंट सेल जो हमारा है BCA का, उन्होंने हम लोगों को नोटिफाई किया था कि हम लोग भी फॉर्म्स भर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे विप्रो का फॉर्म भरा था, जो बेसिकली विल प्रोग्राम रहता है, तो काफ़ी मतलब वो ऐसा है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। एंड अगेन उसमें बॉन्ड था 5 ईयर्स का, तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया था। एंड मेरे को ऑफर लेटर भी आ गया था, लेकिन वही था मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को फिर MCA का बाद में प्लान करना था। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि यार VIT में 3 कैंपसेज है, तो VIT में सबसे बेस्ट कैंपस कौन सा है अकॉर्डिंग टू यू, एंड तीनों कैंपस में डिफरेंस क्या है? क्या तीनों कैंपस में अलग अलग कंपनीज आती है, या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग है, तो व्हाई देयर इज अ हायरार्की? मेरा भी जनरली यही क्वेश्चन था पहला जब मैं VIT जा रहा था, कि कौन सा कैंपस अच्छा रहेगा, कौन सा कैंपस में मतलब प्रेफरेंस वाइज में कौन सा सही रहेगा। तो जब मैंने मतलब फॉर्म भरा था एंड देन उसके बाद में जब मेरा रैंक आया था, तो उसके बाद में हम लोगों को कैंपस एलोकेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे मेरा भी यही सवाल था कि कौन सा कैंपस प्रेफर करना चाहिए। एंड अगेन सिंस VIT का जो फर्स्ट कैंपस है वो वेल्लोर में ही था, तो मैंने उसी को प्रेफरेंस दिया था सबसे पहला। एंड देन जब मैं वेल्लोर में गया, मेरे को जो एलोकेट हो गया था वो कॉलेज, एंड देन जब मैं वहाँ पर जाके डिफरेंट डिफरेंट जो दूसरे कैंपसेस के भी बच्चे हैं, तो उसमें मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जो प्लेसमेंट सेल है अपना, मतलब एक तरीके से हर एक कॉलेज में अपना अपना तो है,
लेकिन जो कंपनीज आ रही है वो पूरा एक मतलब वेलोर कैंपस ही मैनेज कर रहा है, तो एज सच मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। और हाँ ये है कि कुछ नए कैंपस बने हैं एंड कुछ पुराने कैंपस हैं, एंड देन फैकल्टीज तो वही है कि सेम ही रहते हैं, तो उतना मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब तीनों कैंपस में कोई डिफरेंस है एमसीए के एजुकेशन लेवल पे। बट हाँ कंपनीज मतलब मोस्टली वेलोर में ही आती है। ओके सो यार वीआईटी के बारे में थोड़ा बहुत और बताओ कि वीआईटी के दो साल की एमसीए में ऐसा क्या अलग है 3 साल की एनआईटी एमसीए से, और यहाँ पर इंटर्नशिप्स वगैरह होती है 2 मंथ्स की होती है या फिर 6 मंथ्स की होती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रो दो। ओके तो अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कॉलेजेस से, पहले तो क्या था कि 3 ईयर्स का एमसीए करवाते थे, वो बेसिकली इस चीज़ के लिए था 3 ईयर्स का कि फर्स्ट ईयर में आपको पूरा बीसीए का जो 3 ईयर्स का निचोड़ होता है पूरा बेसिकली वो आपको पढ़ाना चाह रहे थे कि ठीक है फर्स्ट ईयर में आप मतलब बीसीए के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें यूज टू हो जाओ, एंड देन बाकी के जो 2 ईयर्स है उसमें आपको मास्टर्स का करवा देंगे। तो आई गेस उसको मतलब उस कोर्स को कुछ ऐसे कोलैटरल एमसीए करके कुछ बोलते हैं, एंड देन अभी का जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है पिछले 1-2 साल से वो तो अभी है कि 2 ईयर्स के कोर्स में शिफ्ट हो गए एमसीए, एंड सिंस मतलब ना ईयर कम हो गया एक तो ऑब्वियस ही बात है कि फास्ट ट्रैक में भागते हैं सारी चीज़ें। एंड अगर आप कंपेयर करो वीआईटी के एमसीए के कोर्स में तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसा है कि 11 मंथ्स में आपका पूरा पूरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। ओके एंड उसके बाद में आपका ऐसा सीन है कि लास्ट सेमेस्टर जो रहता है वो कुछ ऐसा रहेगा कि मतलब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है उसमें। तो मेरे केस में तो ऐसा ही था कि फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स जो थे वो 11 मंथ्स में ख़त्म हो गए थे, एंड देन उसके बाद में जो हम लोगों का इंटर्नशिप था वो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन का था जो हमारा बैच है। तो अब मतलब जो नया बैच आया है हमारे बाद का जो बैच है अभी इस साल से, तो उन लोगों का जो मतलब ड्यूरेशन है इंटर्नशिप का वो 6 मंथ्स का कर दिया गया है। ओके तो यार सबने ये सुना हुआ है कि वीआईटी में बहुत सारी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, और एक्चुअली में उनके जो बीटेक वाला ब्रोशर है उनमें तो अराउंड 150+ कंपनीज लिखी हुई है, तो एक्चुअल में कितनी कंपनीज आती है फॉर एमसीए एंड रियलिटी क्या है, थोड़ा बहुत रियलिटी चेक भी दो यार। राइट तो मेरे को भी मतलब यही चीज़ था कि मतलब मैं भी बहुत फैसिनेट होता था कि हाँ वीआईटीज में मतलब इस हिसाब से बोलते हैं कि लिम्का बुक्स ऑफ अवार्ड मतलब उनके हर साल मतलब नाम आता है बिकॉज दे ब्रिंग मोर देन 800 कंपनीज और 700 कंपनीज, तो विच आई थिंक मतलब कि हाँ सही बात है, ठीक है कि मतलब कंपनीज आती हैं बहुत सारी वीआईटी में, लेकिन अगेन अब ये सोचना पड़ेगा कि कोर्सेज भी बहुत सारे हैं वीआईटी के अंदर में, स्कूल्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बीटेक का अलग है, एमटेक का अलग है, देन बीएससी एमएससी हो गया, देन बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, तो अलग अलग कोर्सेज बहुत सारे हैं, एंड देन आपके कोर सब्जेक्ट्स वाले भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का मतलब इस बार बीटेक का जो रहा था वो अराउंड मतलब 500 कंपनीज कुछ वीआईटी लेके आया उनके लिए, एंड देन हमारे एमसीए बैच के लिए भी अगर आप देखें तो अराउंड 100+ कंपनीज आई है हमारे में भी। ओके सो रिसेशन के टाइम पे एग्जैक्टली कितनी प्लेसमेंट्स लगी थी, और मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज पैकेज क्या था फ्रॉम वीआईटी, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? ओके, सो मतलब मैक्सिमम पैकेज जो हमारे बैच में गए वो शायद मैकिन्जी कंपनी का ही थी, एंड देन उसका मतलब अराउंड 17 के आसपास का एलपीए का सिटी से था। ओके तो वो मतलब टेक्निकली मतलब वो आई थी डेटा एनालिस्ट रोल्स के लिए, इंजीनियरिंग रोल्स के लिए, एंड देन ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो जो भी कंपनी आ रही थी तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो 5.5 से 6.5 के बीच में ही आ रही थी, मतलब कम भी आई है और ज़्यादा भी आई है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो उतना ही रेंज में पड़ेगा। हमारे में तो सबसे पहले तो मतलब ऐसा था कि बैंक ऑफ अमेरिका आई थी जो बेसिकली अच्छा पैकेज दे रही थी, देन उसके बाद में नोकिया आई थी, एंड देन उसके बाद में आपका जैसे एक हेल्थ एज हो गया अपना अच्छा पैकेज देके आया था ये भी, एंड देन मैकिन्जी आई थी, मैकिन्जी एक्चुअली 2 बार आई थी। ओके मतलब है बहुत सारी कंपनीज आई थी, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहे। ओके तो यार अराउंड ये भी बता दो कि एमसीए वालों को कितने बंदों से कम्पीट करना पड़ता है, लाइक कितने स्टूडेंट एक्चुअली सिट फॉर प्लेसमेंट्स एट वीआईटी, एंड मतलब बेसिकली तो इसमें यहाँ पर कहाँ कॉम्पिटिशन होता है, और क्या मतलब 150 में से 150 अलाउ करती है एमसीए को या फिर उसमें से लिमिटेड है? राइट सो प्लेसमेंट कॉम्पिटिशन अगर आप बात कर रहे हैं एमसीए के बच्चों का, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब यहाँ पे जो कंपनीज आती है तो अगर दे आर कमिंग फॉर दी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली बात है कि सीएसई बैकग्राउंड के बीटेक वाले हो गए, देन एमटेक वाले हो गए, एंड देन हम लोगों के एमसीए के हो गए, देन बीएससी के हो गए, एमएससी के हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि प्लेसमेंट पे मतलब कॉम्पिटिशन तो यहाँ पे बहुत रहता है।
ओके और अलाउ का अगर आप बात करो तो मतलब ऐसा है कि क्राइटेरिया सेट करते हैं लोग, एंड मेरे केस में तो ऐसा था कि मतलब मेरा 12th स्टैंडर्ड में मतलब 64.3% था, तो मतलब मेरे को मोस्ट ऑफ दी मतलब जो अच्छी कंपनीज आई थी एंड जेन जो मीडियम स्लॉट में भी आई थी तो उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मेरे को बैठने को नहीं मिला, सिंस बीट इतना ज़्यादा रहता है कि वो लोग सेग्रीगेट करते हैं तो 70% कट ऑफ रख देते हैं वो लोग, तो बहुत okay. मतलब मेरे को तो बहुत प्लेसमेंट में दिक्कत आया था, लेकिन हेल्थेज जो आया था वो 60% क्राइटेरिया पे आया था. ओके सो हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर प्लेसमेंट्स, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दो, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरा माइंड सेट है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है तो मैं एंड्रॉयड की तैयारी करता हूँ, तो आपने क्या जेनेरिक तैयारी करी थी जिससे कि आपकी डायरेक्ट जॉब लगी यहाँ से ऑन कैंपस, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दो. मेरे को स्टार्टिंग से ही मैंने जब बी सी ए भी चूज़ किया था तो मेरे को इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में ही था, एंड देन मैंने सेकेंड ईयर में जब मैं पहुँचा था बी सी ए में तो मैंने मर्न स्टैक को सीखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे, एंड देन मेरे को इंटरेस्ट काफ़ी मतलब वेब डेवलपमेंट में ही था, एंड मतलब देन उसके बाद में जब मैं एम सी ए में आया यहाँ पे तो अगेन यहाँ पे हम लोगों का सिस्टम रहता है फुल्ली फ्लेक्सिबल ग्रेड सिस्टम, तो इसमें हम लोगों को खुद अपने सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड, तो उसमें ये हुआ था कि कोर्स की अवेलेबिलिटी मतलब बहुत कम मतलब स्लॉट बचे थे उसमें, एंड सो उस वजह से मेरे को मिल नहीं पाया था, तो अगेन वही चीज़ थी कि मतलब ना मैं यहाँ पे भी रह के मतलब सीख नहीं पाया था उतना, लेकिन हाँ ये चीज़ था कि साइड बाई साइड जो प्लेसमेंट का प्रिपरेशन था वो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो हो गया एंड देन कोर सब्जेक्ट्स के अपने प्रिपरेशन हो गया वो सब तो मैं मतलब जो गीक फॉर गीक्स के ब्लॉग्स हो गए एंड देन सौरभ शुक्ला सर का मैंने कोर्स लिया हुआ था पी एस ए को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं उनको फॉलो कर रहा था, एंड देन स्ट्राइवर के भी मतलब जो हो गए अपने यूट्यूब पे तो उसके भी मतलब वीडियोज़ मैंने बहुत देखे हैं, एंड प्रैक्टिस करने के लिए मैं लीड कोड के प्लेटफॉर्म को यूज़ करता था और हाँ यही चीज़ था. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है हेल्थेज में और एग्जैक्टली आपका क्या वर्क है. ओके सो जब हेल्थेज कंपनी आई थी तो बेसिकली वो लोग क्या जॉब डिस्क्रिप्शन अपना देते हैं पूरा, तो जो इन्होंने हायर किया हम लोगों को वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 रोल के लिए हायर किया है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे तो हम लोगों का अभी मैंने लास्ट मंथ ही जुलाई में ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि अभी तो हम लोगों का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है जिसमें बेसिकली ये लोग हम लोगों को अपना जो भी टेक्नोलॉजीज ये लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, तो हम लोग अभी उस टेक्नोलॉजी पे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंड अभी हम लोगों का मतलब मिनी प्रोजेक्ट रहेगा तो उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोगों को फुल स्टैक मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में इवेंचुअली हम लोगों का टीम एलोकेशन होगा. सो हेल्थेज बेसिकली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ये लोग उसमें .NET टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, एंड जिसमें कि आपका मतलब ASP.NET पूरा आ जाता है, एंड देन आपका ADO हो गया, EF फ्रेमवर्क हो गया, सो उन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके देन फ्रंट एंड में आपका एंगुलर भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें मतलब हेल्थेज यूज़ कर रहा है जो भी वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उसी पे हम लोगों को भी ट्रेनिंग मिल रहा है कि मतलब हम लोग भी कैसे मतलब क्योंकि मेरे लिए भी न्यू था ये मतलब .NET फ्रेमवर्क जो पूरा पूरा है, मैंने भी मतलब इस पर वर्क नहीं किया था, लेकिन हाँ अभी मतलब ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उसको मतलब यहाँ पे बोलते हैं लीडिंग एज प्रोग्राम बोलते हैं, तो मतलब काफी बेनिफिशियल है वो वाला. ओके सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि यार आपने एमसी कर ली एंड आपने अभी टेक कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या लग रहा है आपको, मतलब जो भी हम सब ने पढ़ा है और एग्जैक्टली जो काम हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, मतलब आपको क्या गैप दिख रहा है, उसमें कोई गैप दिख रहा है या फिर सब सही चल रहा है. हाँ तो एक्चुअली में सबके लिए ये चीज एक फैक्टर प्ले करता है जब कोई भी स्विच करता है अपने कॉलेज लेवल से एंड देन उसमें कॉर्पोरेट में जब एंटर करता है तो मतलब बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती है एंड देन बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. सबसे पहला चेंजेस तो ये रहता है कि जो टाइम मैनेजमेंट आपका रहता है उस पर आपको वर्क करना पड़ता है, एंड देन आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है उसको आपको कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ती है अपनी, एंड अगर आप कंपेयर करो मेरे एम सी ए से एंड देन यहाँ पर शिफ्ट करने में, तो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मतलब ऐसा था कि वी आई टी हम लोगों को स्टार्टिंग से ही ऐसा प्रिपेयर करते आया है कि मतलब ना प्रेशर लेना जो होता है हम लोगों को तो माइंड में एकदम रहता है कि मतलब जिस तरह से प्रिपेयर हम लोगों को करवाया गया है हर सेमेस्टर में जो डीएस हम लोगों को मिलते हैं करने के लिए देन सिनेरियो बेस्ड जो चीज़ें रहती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी से बढ़ जाता है बहुत. तो यहाँ पे आके एज इन मतलब कोई ज़्यादा मेरे को तो डिफ़िकल्टी नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये चीज़ रहता है कि आपको यहाँ पे आके कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए अच्छा इंप्रूवमेंट में. मेरे को तो ये लगता है कि मतलब अगर आप देखो कंपेयर करो अगर आप कॉलेज लेवल में अगर हो तो मैं तो यही चाहूँगा कि मतलब ना जो भी मतलब जो देख रहे हैं और अभी कॉलेज लेवल पे हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रोजेक्ट्स को जो भी हैं मतलब उस प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें, एंड उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आपको समझ में आने लग जाता है कि मतलब ना रियल वर्ल्ड में काम कैसा चल रहा है
लेकिन अगेन वो चीज़ है कि आपको उस लेवल पे नहीं समझ में आएगा जो मतलब हमारा यहाँ पे स्केलेबिलिटी में चल रहा है यहाँ पे काम। ओके, सो आई होप यार आज की वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिली होगी कि रिसेशन के टाइम पे भी किस तरीके से जॉब ली गई है इन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, और आपको इससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी और VIT के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। और आगे आने वाली वीडियो में यार बहुत सारी मोटिवेशन आपको मिलने वाली है और बहुत ही अच्छा कंटेंट डालने वाला हूँ, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको मेरे से या फिर मोहित से कनेक्ट होना है तो हमारी लिंक्डइन ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यार ज़्यादा देर ना करते डू लाइक द वीडियो, 500 लाइक का टारगेट रखते हम, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।